उस फिल्म बात करेंगे एल्समी पे के SEH कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 0.039 पर ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली इसमें हमने एक दो दिन पहले एक अच्छा अप ट्रेंड, एक अच्छा क्विक पंप देखा जिसमें इसने 445 वाला लेवल ट्राई किया था। उसके बाद अभी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन से रहेंगे, कहाँ पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेना है, इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे, कहाँ तक इसमें अभी करेक्शन हो सकता है, क्या इसकी प्राइस मूवमेंट रहेगी, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.039 पर करेंटली कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। आज इसकी प्राइस में 4-5% का करेक्शन देखने को मिला। 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसको मैंने 2-3 बार 0.044 वाला लेवल ट्राई किया है, जहाँ पर इसने 3-2 वाले लेवल से 4-3-4-4 वाला यानी कि अच्छा खासा 30% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला। फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, वहाँ पर प्राइस 3-7 तक चली गई थी, फिर 4-4-5 2-3 बार इस एरिया को ट्राई किया है। अगर यहाँ पर बात करें एंट्री लेवल्स की तो प्रीवियस 15 डेज एगो 27th of March को हमने इस कॉइन में एंट्री शेयर की थी, जब ये कॉइन 0.033 पर ट्रेड कर रहा था। 0.032 और 0.030 दो लेवल्स हमने आपको बताए थे जहाँ पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी थी। दोनों लेवल्स के अराउंड ये इस कॉइन ने उस टाइम पे स्टेबिलिटी मेंटेन की थी। 0.032 वाला एक बहुत अच्छा लेवल था और वहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री ली होगी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया होगा, अभी भी उनके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। जो टारगेट हमने बताए थे दोनों टारगेट इस कॉइन ने हिट किए थे। अगर यहाँ से टारगेट्स की बात करें तो 0.040 और 0.043 वाले लेवल जो है ये आपके लिए टारगेट्स बताए थे, और यहाँ पर अगर देखें तो दोनों लेवल्स इसने एज इट इज़ 40 और 43 वाले लेवल इसने ट्राई किए, दोनों लेवल्स को हिट किया और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। जिन्होंने भी हमारे चैनल को फॉलो किया हुआ है या फिर पिछले 2-3 महीने से वॉच कर रहे हैं या वो वीडियो वॉच किया है, उन्होंने इस कॉइन में जो हमने लेवल्स बताए थे उन लेवल्स पर सेल आउट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। इससे पहले भी हमने इसी कॉइन में फरवरी मंथ में अच्छे लेवल पर बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, और अभी अगर बात करें तो अभी भी हम अच्छे लेवल पर इस कॉइन में एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या वीडियो को भी पूरा वॉच करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो SEH से रिलेटेड थोड़ा सा हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, क्योंकि रिसेंटली अगर बात करें तो इस कॉइन में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था जहाँ पर प्राइस ने 0.007 से डायरेक्टली 5-1 वाला लेवल ट्राई किया था, जब क्रिप्टो लोवेस्ट एरिया पर ट्रेड कर रहा था। BTC 15,000-16,000 पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर इसने 0.007 वाला लो बनाया था, और उसके बाद थोड़े मोमेंट के बाद इसमें क्विक पंप देखने को मिला जिसमें इसने यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल 0.051 वाला लेवल ट्राई किया था। उसके बाद अगर बात करें तो वहाँ से करेक्शन देखने को मिला। प्राइस 5-1 वाले लेवल से 2-6 पर आ गई थी, 50% तक का करेक्शन था, और उसके बाद मूवमेंट हमें वापस से बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 3032 वाला लेवल था उसको हमने रिसेंटली ग्रेप किया था। उससे पहले अगर ये जो ब्रेकआउट था इसका रीज़न था कि गूगल पे के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी। आप गूगल पे का यूज़ करके डायरेक्टली क्रिप्टो परचेसेस कर सकते थे एल्समी पे के अंदर, डायरेक्ट जो फिएट करेंसी है उसका यूज़ करके, तो ये इनकी पार्टनरशिप हुई थी। इस वजह से गूगल पे की अगर बात करें तो ग्लोबल ब्रांड है, गूगल का एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल पे, और इस वजह से हमें इसमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला था। अभी करेंटली अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.035 वाला लेवल जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जिससे ऊपर ये पिछले 10-12 दिनों से इसने डेली क्लोजिंग की है, एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मेंटेन की है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो अभी इसको 0.042 वाला रेजिस्टेंस एरिया फेस करने को मिल रहा है, जिसको इसने ट्राई किया, ब्रेक भी किया था, लेकिन वहाँ पर मेंटेन नहीं रह पाया। अब बात करते हैं एंट्री की।
जिन लोगों ने पहले एंट्री ली थी जो लेवल हमने बताए थे उन्होंने तो सेल आउट करके प्रॉफिट बुक किया होगा। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। नहीं किया है, अगर सेल आउट नहीं किया है और 3233 की बाइंग है आपकी, तो आपको 40 और 44 पर सेल आउट करना है जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 48 के अराउंड में सेल आउट करेंगे। अब 4044 के अराउंड में आपको 60-40 में सेल आउट करना है। अब बात करते हैं जो नई एंट्री देख रहे हैं, जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी। देखिए अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है। 401 में देखें तो 2-3 बार इस कॉइन ने 44 को ट्राई किया, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर इसने 37 को ट्राई किया, यहाँ पर भी इसने 38 को ट्राई किया, तो अभी भी उसी लेवल से नीचे जा रहा है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। BTC ने 31 को ट्राई किया है, 31 से नीचे प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन लेती है तो इस कॉइन में भी करेक्शन होगा। BTC अगर गिरता है तो सभी आल्ट्स में करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये कॉइन हमें मान सकते हैं कि 36 के अराउंड हमें मिल सकता है, चांसेस बन सकते हैं। और अगर 36 के अराउंड मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा, जहां पर आपको वो लेवल तो नहीं मिलेगा जहां पर हमने 32 वाले लेवल पर एंट्री ली थी, वहां से थोड़ा बहुत ऊपर आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पर अभी आपको हो सकता है कि उस लेवल पर मिले ही नहीं 32 वाले लेवल पर, या फिर ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो 36 वाला जो लेवल है एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। एंट्री आपको ओवरऑल 70% पार्ट से लेनी है, जो भी आप अमाउंट इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको 0.036 पर एंट्री लेनी है। दूसरा, अगर वहाँ से भी थोड़ा बहुत और प्राइस नीचे आती है, थोड़ा बहुत और करेक्शन होता है, तो सेकंड आपको 0.03355 पर सेकंड एंट्री लेनी, जो रहेगी आपकी 30% पार्ट से, यानी कि 70 और 30 के रेशो में आपको दो पार्ट में एंट्री लेनी है। अब यहाँ से टारगेट्स की बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि इमीडिएट उनके लिए टारगेट की अगर बात करें, जो क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, उनके लिए 0.044 वाला लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना, जो आप बाई करेंगे उसके 60% टोकन आपको 0.044 पर सेल आउट करना है। सेकेंड, 0.047 वाला जो लेवल है, यहाँ पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है, यानी कि 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करना है जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म आपके लिए 0.050 वाला टारगेट रहेगा। जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो एंट्री लेवल्स हो या सेल लेवल्स हो, सबकी आपको बाय लिमिट लगा देनी है, और जब बाय कर लेते हैं उसके बाद सेल लिमिट लगा देनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस कॉइन में एंट्री लेंगे, तो भी आपको आने वाले दिनों में ये कॉइन 10 सेंट तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। एंड ऑफ 2023 की अगर बात करें तो जिस टाइप से इस कॉइन ने रिकवरी की है, प्रीवियसली जो मोमेंट देखने को मिला, पार्टनरशिप हुई, उस बेसिस पर कह सकते हैं कि अच्छे खासा मोमेंट्स प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।